हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तस्नीम और द कंप्लीट वुमन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ करने जा रही हूं, वो ये पोर्टेबल रिचार्जेबल जूसर है। इसे जूस ब्लेंडर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इस जूसर के अंदर हम वेजिटेबल का जूस भी बना सकते हैं, फ्रूट्स का जूस भी बना सकते हैं और हम मिल्क शेक भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी भी देती हूँ और इसे कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है वो प्रोडक्ट। उसके साथ में ये यूएसबी चार्जिंग केबल दिया गया है। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी देती हूँ। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये ऑन और ऑफ स्विच है, यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट है, तो आप इसे कोई भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं और आप इसे पावर बैंक से भी कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्लॉट दिया गया है, ये हमारा फोन चार्ज करने के लिए है। अगर आपको फोन चार्ज करना है, अगर ये इसकी बैटरी चार्ज है तो फोन भी इसे चार्ज हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसको चार्ज होने में एटलीस्ट 3 आवर्स लगते हैं, तो 3 आवर्स के बाद आप इस जूसर को यूज कर सकते हैं। और आप इसको जब तक यूज कर सकते हैं कि जब तक इसकी बैटरी जो है पूरी तरह से यूज नहीं हो जाती। और इसकी बॉडी जो है वो ABS प्लास्टिक से बनी हुई है और एंटी ब्रेकेबल बॉडी है इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उसका कैप है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये सीव है, इस तरह से ओपन होता है, ये देखिए। और इसे कप भी कहा जाता है और इसे जार भी कहा जाता है। ये कप जो है ये 380 ml का है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर इसका ये मैनुअल है और इसके अंदर जो ब्लेड लगी हुई है वो स्टेनलेस स्टील की है और ये 6 ब्लेड का जूसर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाना मिल्क शेक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने एक बनाना लिया है। अभी इस तरह से हम इसके टुकड़े कर लेने हैं। आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं और कहीं भी आप अपना जूस बना के या मिल्क शेक बना के पी सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर देते हैं। तो अब मैं इसके अंदर शुगर यूज करूंगी और हमने जो बनाना लिए हैं वो ऑलरेडी स्वीट होते हैं, तो हमें शुगर कम यूज करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। अब हम इसमें कुछ आइस ऐड करेंगे। ये देखिए, फिर हमें इस तरह से इसे ऑन करना है। हमें ऑन करने के लिए क्या करना है, इसे डबल क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, विद इन 1 मिनट के अंदर ये हमारा मिल्क शेक बनके रेडी हो गया है। तो अब हमें इस कैप को भी ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे सीव लगी हुई है तो बनाना शेक जो है बराबर से बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे इस ग्लास में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यह हमारा मिल्क शेक बनके तैयार है विद इन अ मिनट। तो अब मैं आपको इस पोमोग्रेनेट का जूस बना के बताती हूँ। तो अब हम इसमें एक पोमोग्रेनेट को ऐड कर देते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना। इसके अंदर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इवन शुगर भी हमें इसमें ऐड नहीं करनी है। तो चलिए हम इसका जूस बनाते हैं। वही हमें डबल क्लिक करना है। तो हम थोड़ा आइस इसमें ऐड कर देते हैं। वापिस हम इसे स्टार्ट करते हैं और हमें इस तरह से इसे शेक करते रहना है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं।
इसकी जो सीव लगी हुई है तो पोमोग्रेनेट के जो बीज है वो खुद छान के निकाल लेंगी। ये देखिए, ये हमारा हेल्दी जूस भी बनके तैयार है, तो इसे आप कोई भी जूस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जूसर का वीडियो आपको कैसा लगा तो इस पर आपकी प्रेशियस कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।